सॉरी गाइस, एक गलती इस क्वेश्चन में है जो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोग को। ये जो है ये 8 / b करते हैं जो इस सीरीज में है उसी टाइप से करते हैं, और 8 / b ऐसे नहीं होगा, ये कैसे होगा? ये हो जाएगा यहाँ पे b और यहाँ पे, क्योंकि a को डिवाइड कर रहे हैं b से, ठीक है, a / b, तो इसलिए b यहाँ पे होगा और a यहाँ पे होगा, जो मैंने क्वेश्चन में गलत बताया, यहाँ पे a कर दिया यहाँ पे b, तो इस चीज़ को आप समझ लेना, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है और मैं वहाँ भी जल्दीबाजी में कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये जो है a / b ऐसे और a / b, ठीक है, तो ऐसे होगा, आप लोग सुधार लेना उसको। सो नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग सामने एक क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, कोई दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, मान लो कि ये ए है एंड बी है, टू पॉजिटिव नंबर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो है ये, ठीक है, बोल रहा है देयर क्वोशंट इज 9/5। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि क्वेश्चन एक तरफ से आप डिस्कस करोगे तो मतलब कि इनकम्प्लीट टाइप का है, पर क्वेश्चन ये है ना जिस अभी, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं लगभग लगभग 4 से 5 बार एग्जाम्स में आ चुके हैं SSC के। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एंड देयर क्वेश्चन इज 9/5, अगर आप याद रखना कि अगर आप ए इन टू बी इज टू दिस ये लिखते हो तो आप ए डिवाइडेड बाई बी लिखोगे, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई बी, अगर आप b इंटू ए लिखते हो तो b डिवाइडेड बाई ए लिखोगे, इसी सीरीज में कंटिन्यू करोगे जिस सीरीज में इसको लिखे हो, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, अब कुछ लोगों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, तो ये देखो a डिवाइडेड बाई b ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों तो बात बराबर है। क्वेश्चन मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मतलब यहाँ गुणन गुणन गुणनफल होता है, गुणनफल होता है हिंदी में, और ये होता है भाजक, भाज्य, गुणनफल और शेषफल। तो ये जो गुणनफल बोल रहा है यानी कि क्वोशेंट बोल रहा है, क्वोशेंट है 9/5, ऐसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, इस चीज़ को यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे, तो ये चीज़ बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों सही हैं। तो अब अगर आप ऐसे लिख लेते हो तो ये तो आसान हो गया, आप ए का वैल्यू निकाल सकते हो 9b, एंड ए इज इक्वल टू 9b/5। अगर आप ए का वैल्यू निकाल लिए हो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 9b/5, बी स्क्वायर कर सकते हो, इसमें ए का वैल्यू जब पुट करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये। अब अगर क्वेश्चन में अगर ये दिया है तो डेफिनेटली ये 9 से डिवाइड होगा, क्यों क्यों होगा, इसलिए होगा कि ये देखो ये 5 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये जरूर इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इससे डिवाइड कराना है इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 8 एंड 0, इतना बार में ये डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही नहीं देता है, क्वेश्चन देता है जरूर उसमें डिवाइड होना ही है। अब आप जब बी स्क्वायर करोगे इससे इंटू, तो ये हो जाएगा 0, 0, 4 एंड 6, तो बी स्क्वायर आ गया ना, आप लोगों को पता है 8 80 हो जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगा तो होगा तो 80, बी इज इक्वल टू 80। आप पूछ रहा है डिफरेंस क्या है, अब बताइए इसमें बी से इंट ए इंटू 80 इज इक्वल टू दिस, तो 80 से इसको डिवाइड कीजिए, ए का वैल्यू आ जाएगा और ए माइनस बी भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, खुद से आप कर लेना। तो क्वेश्चन में सबसे जो कन्फ्यूजिंग पार्ट है कि इसको किस कैसे किसको किससे डिवाइड करें, और ये भी कभी कभी कन्फ्यूजिंग हो जाता है, मतलब मेन पार्ट यही है कि इसको ऐसे लिखना या फिर ऐसे लिखना, दोनों आप किसी तरह से लिखो, पर ऐसे लिखोगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, चलिए धन्यवाद।